तालाबंदी के बाद से घर पर बैठे दवा भी चाहिए, मसाले बेचने लगे, लेकिन बिजली का बिल देने भर की कमाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि बीते 6 बरस का असल सच यह है कि हम लोगों ने जितना कमाया है उससे ज्यादा कर्ज में लगातार हम डूबते चले जा रहे हैं। कहां पहले 50% का गैप था 2014 में, वो गिरकर घटकर सिर्फ 22% के गैप पर उतर आई है। देश में कई मुद्दे न्यूज की सुर्खियां बटोरते हैं और कई मुद्दे डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनते या नहीं बनाए जाते। आज हम बात करेंगे देश के कुछ उन मुद्दों की जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं बटोरते, लेकिन जो असल में बहुत जरूरी हैं। शुरू करते हैं देश की जीडीपी से। कुछ समय पहले आंकड़े आए कि पहले क्वार्टर की जीडीपी -23.9% तक जा चुकी है। अगर जीडीपी के चार्ट को देखें तो पिछले कई सालों से नीचे की तरफ ही आता जा रहा है, पर सरकार हमें हर बार ये कह देती है कि अगले साल स्थिति सामान्य हो जाएगी और हम तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। इस बार भी निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीडीपी के आंकड़े या नेगेटिव रहेंगे या जीरो और अगली बार हम तेजी से बढ़ेंगे। As is being predicted by the IMF, even if it is going to be in the negative or near zero this time, the next year will be very clearly India seeing itself as one of the fastest growing economies. देश में इसके बाद एक और बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आपने नेताओं को चुनावों में नौकरियों के लेकर वादा करते तो सुना होगा, अगर नहीं तो उदाहरण बिहार चुनाव में ही देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया एक रैली में जनता को संबोधन करते हुए। एक मौका अपने भाई नौजवान को दीजिएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल में पहला है मेरा कलम चलाया था 10 लाख नौजवानों को। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव की घोषणा पर उनकी आलोचना की और उन्हें कहा कि विपक्ष ऐसा वादा कर रहा है जो वह पूरा नहीं कर सकता। मित्रों, वोट लेने के लिए विपक्ष किस प्रकार का झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठा वायदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा? 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के करीब 12,11,000 कर्मचारी हैं और इन 12,11,000 कर्मचारियों के वेतन मद में हम लगभग 52,734 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब अगर अतिरिक्त 10 लाख लोगों की बहाली हो जाए तो केवल वेतन मद में 1,11,000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि बिहार सरकार है बाकी सारे काम बंद कर दें, पुल पुलिया बिजली का काम सारे काम बंद हो जाए, कोई विकास का काम नहीं होगा? जबकि इसके बाद उन्हीं की पार्टी बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर डाला और बिहार में फ्री वैक्सीन का भी। चुनावों में नेता ये वादे तो कर देते हैं, पर कितनों को रोजगार मिलता है ये आपके सामने ही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त 2020 में रोजगार के अवसर घटे हैं। अगस्त 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35% दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने जुलाई में इससे कम 7.43% थी। इससे पहले कुल बेरोजगारी दर जून में 10.99% पर पहुंच गई थी। रोजगार के मुद्दे पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में अधिक जानकारी भी दी है। आपकी मुलाकात मुंबई की वंदना महात्रे, राजेश सावंत और अनुष्का ढिंगले से कराना चाहता हूँ। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस ने वंदना महात्रे से मुलाकात की। घरों में काम करने वाली वंदना महीने का 10,000 रुपया कमा लेती थी। उनके पति भी कपड़े की फैक्ट्री में काम कर कुछ कमा लेते थे, गुजारा चलता था और गरीबी रेखा के ऊपर। तभी तालाबंदी हुई और दोनों की दुनिया पलट गई, गरीबी रेखा से नीचे आ गई, नौकरी चली गई। वंदना महात्रे को अभी तक काम भी नहीं मिला है। सब्जी बेचने लगी हैं लेकिन काफ़ी नहीं है, 3 बच्चे हैं। राजेश सावंत की भी यही कहानी। मॉल में एक रेस्तरां था,
वहीं काम करते थे, तालाबंदी के बाद से घर पर बैठे हैं, मधुमेह के मरीज हो गए हैं, दवा भी चाहिए, मसाले बेचने लगे हैं, लेकिन बिजली का बिल देने भर की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का ताजा आंकड़े भी सामने आए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो देश में कितने भुखमरी है उस हिसाब से रैंकिंग देता है, जिसमें भारत का रैंक 107 देशों में 94 पर आया है और हमें 27.2 अंक मिले हैं, जिसके हिसाब से हमारे देश में भुखमरी की स्थिति काफी सीरियस है। अब कुछ पड़ोसी देशों से इसकी तुलना भी कर लेते हैं। मीडिया में ज्यादातर हमें पाकिस्तान के बारे में न्यूज देखने को मिलती है, इसलिए उनसे ही शुरू कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक 107 देशों में से 68 पर आया है, यानी कि इस मामले में हम पाकिस्तान से पीछे हैं और पाकिस्तान का स्कोर 24.6 है। ये भी काफी सीरियस है, लेकिन हमसे बेहतर है। अब चाइना और बांग्लादेश के आंकड़े भी देख लेते हैं। बांग्लादेश का रैंक 107 देशों में से 75वें पर आया है और चाइना की हमसे काफी बेहतर स्थिति है, उनका स्कोर 5 से भी कम है। हाल ही में IMF की रिपोर्ट में ये सामने आया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम में भारत से आगे निकल गई है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पर कैपिटा इनकम 2020 में $1,877 थी और इसके मुकाबले बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1,888 है। ये 2020 के आंकड़े हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी न्यूज क्लिकिंग पर अपने शो में आनंदे चक्रवर्ती ने भी दी कि 2020 में एक औसत बांग्लादेशी की आय एक आम भारतीय से ज्यादा हो जाएगी। ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है। 2014 में अगर हम ले कि एक औसत भारतीय की आय 100 रुपए थी तो बांग्लादेशी की आय था 67 रुपए, यानी 67 रुपीज। भारतीय की औसत आय 100, बांग्लादेशी की औसत आय हमारे रुपए में 67 रुपए बैठता है। वही अगर हम 2020 का ले ले तो भारतीय का 20% बढ़ गया 2014 से लेकर, हम जाकर पहुंचेंगे 120 रुपए पर औसत आय। लेकिन जो बांग्लादेशी है उनका औसत आय कितना बढ़ गया, 98 रुपीज पे चला गया, लगभग 100 के आसपास चला गया। कहां पहले 50% का गैप था 2014 में, वो गिरकर घटकर सिर्फ 22% के गैप पर उतर आई है। इसके अलावा भारत के ऊपर विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में दी है। क्योंकि बीते 6 बरस का असल सच ये है कि हम लोगों ने जितना कमाया है उससे ज्यादा कर्ज में लगातार हम डूबते चले जा रहे हैं, यानी कर्ज ज्यादा लिया है कमाया कम है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, मनमोहन सरकार जा रही थी, 2014 में भारत के ऊपर जो कर्ज था वह 53.11 लाख करोड़, यानी राउंड फिगर में लाइएगा तो 53 लाख करोड़ का कर्ज था। 2019 में यह बढ़कर 91 लाख करोड़ हो गया, राउंड फिगर में थोड़ा ज्यादा है, 91 लाख करोड़ हो गया, यानी 71% हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया। 2014 में भारत की जो कमाई थी वह $1,574 थी, 2020 में यह बढ़कर 1,817 हुआ, यानी बढ़ा कितना, $1,574 से बढ़कर $1,877 2020 में हुआ, 6 साल में इतना ही बढ़ा है। अगर ये सब के बाद हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया की तरफ नजर मारें तो ये सब जानकारियां आपको शायद उनके माध्यम से नहीं देखने को मिलेंगी। इन मुद्दों पर डिबेट हो ये तो भूल ही जाइए, आप खुद ही देख लीजिए मीडिया की डिबेट किन मुद्दों पर ज्यादा हो रही है। मुंगेर की घटना के बहाने तेजस्वी यादव ने पूछ लिया है कि पुलिस को जनरल डायर बनने की इजाजत आखिर किसने दी। जंगल राज की लड़ाई जनरल डायर पे आई। विपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की तुलना जनरल डायर से की। जनरल डायर वाला काम किया है, जनता को पुलिस का डर दिखाकर अब क्या चुनाव जीतेंगे। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता क्या उम्मीद कर रही। आज राहुल गांधी खामोश, प्रियंका वाड्रा खामोश, कोई नहीं बोलेगा। भाई कांग्रेस विधायक क्यों तक तो क्या गोली मार देंगे, और इस वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे, हमको लग रहा था कि धर्म की वजह से नहीं आ रहे। हाथरस के बाद मोमबत्ती गैंग कहां गायब है, निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कहां है सेक्युलर खेमा। साध्वी प्रज्ञा आज उस व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतारेंगी। अब देश 5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा या नहीं ये कहना काफी मुश्किल हो गया है। कई अर्थशास्त्रियों ने सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देने की सलाह दी थी और विपक्ष ने भी यही मांग की थी, इसके बदले सरकार ने लोन देने पर जोर दिया। आगे देखना ये होगा
कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।